साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज कुछ खास चर्चा करते हैं। जैसे अभी बहुत काफ़ी चर्चा चल रही है सेना में भर्ती को लेके, अग्निपथ ठीक है या अग्निवीर, जो सेना में भर्ती होने वाले 4 साल के लिए एडहाक पे उन्हें रखा जा रहा है। तो इस पे कुछ विचार करके मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है। मैंने उसे कहीं शेयर नहीं किया, आर्टिकल लिखा और उसे वीडियो पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। और देखिए, खास बात ये कहना चाहूँगा, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। और इस आर्टिकल से हो सकता है कि कुछ किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, लेकिन मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ और एक छात्र हूँ, और छात्र हित की ही राजनीति करते हैं, छात्र हित की ही बात हम करेंगे, ठीक है। कौन क्या सोच रहा है इससे कुछ खास मतलब नहीं है। बस कोशिश हमारी ये है कि जो भी बात रखी जाए अच्छी रखी जाए, सही रखी जाए। अपने तरफ से हम यही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है अग्निपथ सेना के अग्निवीर। पूरे आर्टिकल में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मोदी की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ। सेना की इस भर्ती में कुल 46,000 सेना के तीनों अंगों में 10वीं और 12वीं पास नौजवान सैनिक भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। दोनों नामों से स्पष्ट है कि नौजवान अग्निवीरों को अग्निपथ पर चलना होगा। बेरोजगार नौजवानों के जीवन से खिलवाड़ करने की यह नई योजना है। कुल भर्ती हुए नौजवानों को 4 साल तक अस्थायी रखा जाएगा और 4 साल बाद केवल 25% अग्निवीरों को सेवा में बरकरार रखा जाएगा, बाकी 75% को वापस घर भेज दिया जाएगा। भर्ती हुई अग्निवीरों को केवल 21,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा, बाकी की 30% राशि अग्निवीर केयर फंड में जमा होगी। यह फंड उसी तरह का होगा जैसे नई पेंशन योजना PPF में लागू है। अब ये समझने योग्य बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि देश का हर सरकारी संस्था बिक रहा है, हर चीज़ बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम देश की सेना को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। आने वाले भविष्य में कहीं ऐसा ना हो अंबानी और अडानी जैसे बिजनेसमैन के हाथों सेना को भी बेच दिया जाए और ये कहा जाए कि आप उनके कंपनी के बाहर खड़े होके सेना चलाएंगे और सेना में रहेंगे और वो अपनी अपनी कंपनी अपनी अपनी सेना रखेंगे। मतलब सब कुछ प्राइवेट करना, सेना को प्राइवेट करना सबसे बड़ी भूल है। और देश के नौजवान जो हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा, जो देश के नौजवान हैं वो प्राइवेट 4 साल के बाद क्या करेंगे, 4 साल के बाद उनका भविष्य कहाँ जाएगा, कभी किसी ने सोचा है? किसी ने नहीं सोचा, बस उसे प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़िएगा, देखते हैं क्या होता है। इन नौजवानों के लिए प्राइवेट फैक्ट्रियों और बड़े धन्ना सेठों की कोठियों के बाहर चौकीदारी का विकल्प खुला रहेगा, क्योंकि तब तक बड़ी बड़ी कंपनियां धन्ना सेठों के हाथों बिक चुकी होंगी। देश के चौकीदार कि नौजवानों को चौकीदार बनाने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के विरोध में अभी तक किसी विपक्षी नेता ने कोई बयान जारी नहीं किया है, ऐसी जानकारी में नहीं आया है। शायद झंडे उठाने के लिए ये अग्निवीर काम आ जाए। केवल बिहार में आपको बता दें कि जो भी सेना में भर्ती होते हैं ना भारत के, 4-5 राज्य से ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये कुछ खास राज्य हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा सेना सैनिक जाते हैं, भर्ती होते हैं। अपने देश पे देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले नौजवान जो होते हैं ना, वो इन्हीं राज्यों से होते हैं। इन राज्यों में सबसे पहला राज्य है बिहार, जहाँ से बिहार के जो मैं वीडियो क्लिप इसमें ऐड किया हूँ, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा वो वीडियो क्लिप, उसमें आप लोग देखेंगे। और उन्होंने रोष जाहिर किया है, सड़कों पर उतर के उन्होंने रोष जाहिर किया, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो
मैं ना बीजेपी समर्थक हूँ, ना कांग्रेस समर्थक हूँ, और ना सपा ना बसपा, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई किसी पार्टी का समर्थक भी हो तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी पार्टी का समर्थक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात पे भी विचार हमेशा होना चाहिए कि हम देश के आम नागरिक, हम आम जन हैं, और हमें आम जन की सुविधाएं क्या हैं, हमें कैसे मिलेंगी सरकार से, हमारे एक वोट का बहुत महत्व है, ठीक है। तो जब हम अपने युवाओं को लेके, जैसे हम जो भी कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ हम निष्पक्ष होके अपने शिक्षित युवाओं के लिए हम बात करना चाहते हैं, हम छात्र हित की बात करना चाहते हैं, न कि हम छात्र हित से बाहर की बात कर रहे हैं। अगर आज देश का जो नौजवान जो है, अब पूरा दुनिया जानती है कि भारत में चरम सीमा पर बेरोजगारी है, सभी को पता है, और चरम सीमा पे बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी का आलम यह है कि हर बंदा और हर बच्चा बच्चा बेरोजगार बैठा है देश में। अब आने वाले समय में आप एक चीज़ सोचो, ये बेरोजगारी हटाने का कोई तरीका है? 4 साल, मतलब 4 साल में आप क्या बना बिगाड़ सकते हैं? 17 वर्ष की उम्र में एक एक जवान भर्ती होगा, या 21 साढ़े 21 वर्ष की उम्र में वो जवान फिर फ्री हो जाएगा, भर्ती से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अभी बिहार वीडियो मैंने आप लोगों को डाला हुआ है, मैंने देखा था, उसमें एक लड़के ने स्पष्ट ये बोला है उस वीडियो में, प्रशासन के सामने वो लड़का ये कहता दिखा कि जो सैनिक भर्ती होते हैं, 4 साल की नौकरी है, 9 महीने की ट्रेनिंग है, 9 महीने की ट्रेनिंग में सिर्फ पैर पटकना, गोली बंदूक बारूद चलाना, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ना, उसके बाद ये बताइए, असली पढ़ने की उम्र 17 से 21 22 साल की ही तो होती है, आप सभी को पता है, और उस समय उनसे बंदूक ढुलवाया जाएगा, उसके बाद वो जवान सेना में जाके शामिल होकर बॉर्डर पर लड़ने जाएंगे। क्या कभी संभव है कि वो जवान अब फिर आगे की पढ़ाई क्यों कर पाएंगे? बहुत कम परसेंट ऐसे लड़के रहेंगे जो आगे की पढ़ाई जारी रख पाएंगे, उसके बाद वो कोई पढ़ाई नहीं कर पाएगा, सबका जीवन तो मतलब बिल्कुल अधर में लटक के चला जाएगा, 4 साल बाद उन्हें नौकरी से निकाल दी जाएगी। पता है, जो देश के जवान हैं, सेना है, वो हर सुख सुविधा छोड़ के अपने देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए मर मिटते हैं, बॉर्डर पे अकेले खड़े रहते हैं, गोली खाते हैं, बारूद खाते हैं, धूल के बीच पहाड़ों पे ड्यूटी होती है, जंगलों में होती है, नदी समुद्र में होती है, आसमान में ड्यूटी होती है। उनका कष्ट हर व्यक्ति नहीं समझ पाता, कहना आसान है लेकिन उनके साथ मिलजुल कर रहना, उनको देखना बड़ा कठिन है। और सेना के जवान के साथ इतनी घिनौनी हरकत, कम से कम सबको प्राइवेट करो, सेना को ना करो, सेना को कम से कम भरपूर देना चाहिए था कि सेना जब जितनी 15 16 साल की नौकरी है, 14 साल की नौकरी है, वो नौकरी हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए सरकार के द्वारा। ये सरकार इतना बड़ा गेम खेल गई, हर चीज़ प्राइवेट करने के चक्कर में आज सेना को भी प्राइवेट कर रही है। पता है, जो जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार का दुख जानने के बाद क्या हाल होता है, आप लोग भी समझ रहे होंगे। घर परिवार, माँ बाप बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पे रहते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, आज उन्हीं के बदौलत हम अपने घरों घरों में सेफ सो रहे हैं, खा पी के ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जी रहे हैं, और उन्हीं के साथ इतना गंदे तरीके से भी है, मतलब बहुत बुरा लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेना में जो लड़के भर्ती हो रहे हैं, 4 साल बाद, ये बताइए, जब पढ़ाई की उम्र छूट जाएगी, वो पैर पटक पटक के उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा रहेगा कि हमें लड़ाई लड़ना है, बंदूक ढोना है। 4 साल बाद जब वो रिटायर होके आएंगे, अच्छी पूंजी, कितना अच्छी पूंजी लेके आ सकते हैं वो, ये बताइए, वो क्या उसके बाद अपना भविष्य बनाएंगे? कहीं ना कहीं एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर, 4 साल बाद जो लड़के वापस आएंगे रिटायर होके, कहीं ना कहीं चौकीदार बने खड़े रहेंगे, अग्निवीर कहलाएंगे, 4 साल सीना तान के घूमेंगे। फिर उन्हीं अग्निवीरों को आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी दुकान के बाहर, किसी बैंक के बाहर, किसी एटीएम के बाहर डंडा लेके चौकीदारी करते रहेंगे। कितनी शर्म की बात है कि अपने देश के युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आज इस पर फोकस नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत बुरा बुरा होने वाला है, और अपना देश कहाँ जा रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है।
तो चीज़ें जो भी हैं इस पे एक बार आप लोग कहाँ तक लगता है कि आप लोगों को ये सही है? 17 के बाद एक युवा जब सेना में भर्ती होगा, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका होगा, बम गोली गोला बारूद से लड़ेगा, उसके बाद 21 वर्ष या 22 वर्ष में वो रिटायर होके आएगा, तो क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? 4 साल के बाद उनका भविष्य कहाँ जाएगा? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा दुख हुआ। और उत्तर प्रदेश में अभी तक विरोध कहीं भी नहीं हुआ है, बिहार में जारी है। ठीक है, अगर इस पे अगर आज का युवा अगर आवाज़ नहीं उठाता है, तो आने वाले समय में सभी को पछताना होगा, सभी पछताएंगे। और धीरे धीरे इस तरीके से सभी नौकरियां ख़त्म कर दी जाएंगी। हर नौकरी में 2 साल, 3 साल, 4 साल एडहाक पे रखा जा रहा है, उसके बाद हो रहा है कि आपको कंटिन्यू लिमिटेड किया जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और मैं किसी पार्टी के एवज में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, हम छात्र हित में बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही क्या गलत। आने वाले समय में ये क्या गलतियाँ हो रही हैं हम सबसे, क्या नहीं हो रही हैं, ये इन सब पे बहुत रोना होगा सबको। तो कम से कम देश के युवाओं के साथ ऐसे घृणित तरीके से प्लान न बना के, और आपको बता दें जो इस समय बहुत सारी वैकेंसियां निकल रही हैं, और उसी समय चुनाव भी होगा। देखिए सरकार कितना बड़ा गेम खेल रही है। आज शिक्षित युवा जितना भी है सभी सरकार से रुष्ट हैं, और सरकार इस पे गेम खेल गई। जिस समय चुनाव है उसी समय उसने सारे एग्जाम डाल दिए हैं कि भर्ती आ रही हैं, सभी लड़के एग्जाम में बिजी हो जाएंगे। एग्जाम में बिजी होने के बाद सभी छात्र अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, ताकि वो जाके किसी पार्टी में ना जुड़ें, किसी पार्टी को सपोर्ट में ना जुड़ें। इससे फायदा सरकार को होगा। सरकार जानती है कि हमसे सभी युवा रुष्ट हैं, क्योंकि कोई रोजगार मिला ही नहीं, इसलिए उनको चुनाव के समय एग्जाम में ढकेल दिया जाएगा, ताकि लड़के उलझ जाएं एग्जाम में और चुनाव उधर से वो अपने तरीके से जीत लें। तो ये सब एक नया तरीका बनाया गया है चुनाव जीतने का। और ये 4 साल की नौकरी कभी भी उचित नहीं है, कभी भी सफल नहीं होगी। और भले ही कुछ लोग जो सरकार के समर्थक हैं वो देश हित में ना बोल के, बल्कि ये बोल जाएं कि नहीं भाई, जो पार्टी कर रही, जो सरकार कर रही, वो सही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनके मन में ये छलावा और ये पछतावा जरूर होगा कि सरकार गलत कर रही है। हम सभी को पता है कि सरकार गलत कर रही है। आज नहीं तो कल हमें आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर आज हम कल आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हमें हमेशा पछताना पड़ेगा। बिहार के युवा जाग चुके हैं, बिहार के युवाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज किया है। ये वीडियो जस्ट अभी स्क्रीन पे आप लोगों के चालू होने जा रहा है, आप लोग देख लेंगे। तो आप लोग भी कमेंट करें, अपनी राय रखें कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये वीडियो जो बिहार में अपलोड हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग करेंगे, 7 दिन सर 4 साल गए, 9 महीने का ट्रेनिंग हुआ सर, उसके बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा सर। तो क्या कहा जाएंगे सर? हम लोग का तो दिमाग में एक ही बात है, फौज का वर्दी है सर, ट्रेनिंग करना है, बंदूक से ये करना है वो करना है, उसके बाद हम क्या सर, देश के लिए मरने के लिए हम लोग हाजिर है सर, शुरू से सर, हम लोग जान देने वाले बचपन से सर। नेता का पेंशन नहीं है सर, नेता का पेंशन चल रहा है, हम लोग जान देने वाले हैं, भीतर का गोली खाने वाले हैं सर, उसके लिए कोई पेंशन नहीं सर। सर आप लोग एक बात सोचिएगा, युवाओं ने कहा कि नेता के लिए पेंशन है और सैनिकों के लिए पेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा, आप लोग एक बार विचार करिएगा, 4 साल की नौकरी जो अग्निवीरों के नाम की जा रही है, युवाओं के नाम, क्या इस अग्निवीर में इन नेताओं के लोग भी भर्ती होंगे? अपने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी स्क्रीन पे हैं, इनके तरफ से यही पूछा गया कि आपका क्या विचार है, ये आइडिया आपको कैसा लगा? मैंने तो इनको रिट्वीट करके कहा बिल्कुल बुरा लगा। और आज अपने देश का जो गरीबी हुआ है, जो देश का आम जन है, उसके जितने वीर जवान हैं देश के लिए अमर मिटने के लिए, अग्निवीर में शामिल होने के लिए 4 साल में 4 साल के लिए जाएंगे, तो एक सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या इन नेताओं के लड़के भी जाएंगे या नहीं जाएंगे?
इन नेताओं के लड़कों को भी शामिल किया जाना चाहिए अग्निवीर में। जैसे रूस में, रूस का हर नागरिक सैनिक होता है, लड़ाई लगती है तो हर नागरिक लड़ने जाता है, बंदूक उठाता है। उसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट में पदाधिकारी बड़े नेता हैं, पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबको शामिल होना चाहिए। सभी शामिल हों, सभी शामिल होकर इस लड़ाई में शामिल हों और अग्निवीर में अपने अपने नेता अपने लड़कों को शामिल करें, तब हम समझे कि हाँ भाई ईमानदारी की ये पहल है। नहीं तो ऐसे ईमानदारी की पहल हमें नहीं लगती। युवाओं के साथ छलावा बंद होना चाहिए। और आप सभी युवा अगर आज आवाज़ नहीं उठाते हैं, हमेशा आपको दबा दिया जाएगा। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। सत्येंद्र यादव।